बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अतीक फ्राम अतीक अकेडमी .com और आज मैं अमेज़ोन FBA प्राइवेट लेबल की वीडियो के पार्ट 6 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स को, ठीक है, जिन पर आप एज अ सेलर काम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट पे आ जाती है हमारे पास अमेज़ॉन, उसके बाद ईबे है, वॉलमार्ट है, ईटेसी है, उसके बाद होम डिपोट है, और उसके अलावा दराज इन पाकिस्तान है। तो मैंने ये तमाम वेबसाइट को यहाँ पर ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए amazon.com। अब हम जो इस कोर्स के अंदर बात करेंगे वो हम अमेज़ॉन के ऊपर ही ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे, इस पर जो सेलिंग अकाउंट होगा, ठीक है, और लिस्टिंग वगैरह, हंटिंग प्रोडक्ट और ETC, ये तमाम चीज़ें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो अमेज़ॉन के रिलेटेड होगी, ठीक है। बाकी जो वेबसाइट्स हैं वो आपको एक इंफॉर्मेशन के तौर पर मैंने जो है वो यहाँ पर बताने के लिए ऐड की हैं, ताकि आप अगर उन पर भी एज अ सेलर वर्क करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, अगर देखें अब ये है amazon.com। अगर हम चाहते हैं कि हम अमेज़ॉन के ऊपर एज अ सेलर काम करें तो क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर इनके टैब्स बने होते हैं। अब देखें इसके जो टैब्स बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है सेल प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनका सेलर सेंट्रल ओपन हो जाएगा, ठीक है। हमने वहाँ पर अकाउंट अपना बनाना है और देन वहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह देंगे, अकाउंट वेरीफिकेशन करवाएंगे और हम अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर ये ईबे है, अगर आप ईबे पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप टॉप पे देखें तो यहाँ पर ये सेल का भी ऑप्शन आया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर भी आ रहा है स्टार्ट सेलिंग, अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमें ये अपने सेलर सेंट्रल पर ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो लिस्ट एंड आइटम, ठीक है, इस तरह हम आगे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें इनकी तमाम डिटेल्स वगैरह नीचे आ गई हैं, ठीक है। और हम उसके बाद अपने इनको इंफॉर्मेशन देंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो हमारे से ये आइडेंटिटी वगैरह मांग सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, तो हम ईबे पर भी इस तरह से सेलिंग कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर वॉलमार्ट है, ठीक है, अगर आप वॉलमार्ट पर भी अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर ये देखें सेल ऑन walmart.com, ठीक है, इस पर क्लिक करें, जो भी वेबसाइट हो, ठीक है। अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं, हम ये देखें जैसे दराज भी है, अगर हम देखें दराज है या किसी भी वेबसाइट पर, जिस भी वेबसाइट पर आप एज अ सेलर काम करना चाहते हो, और उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि ये ना हो कि मतलब वो हमें ये जो है अपॉर्चुनिटी दे ही ना रहे हों कि आप एज अ सेलर काम कर सकते हैं। अगर उनके मतलब वो ऑप्शन है कि आप हमारी वेबसाइट पर एज अ सेलर काम कर सकते हैं, तो फिर आपने क्या करना होता है, सिंपली क्या करना होता है, लिखना होता है सेलर सेंट्रल लिख लें आगे जो भी वेबसाइट हो जिस पर आप सेल करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये देखें मैंने सेलर सेंट्रल लिखा, यहाँ पर अमेज़ॉन का आ गया। अब मैं यहाँ पर अगर सेलर सेंट्रल दराज लिखता हूँ तो ये देखें आप यहाँ पर नीचे हमारे पास दराज का सेलर सेंट्रल आ जाएगा, ठीक है। ये अगर देखें आप देखें ये फर्स्ट पे आ गया हमारे पास सेलर सेंट्रल दराज .pk, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और आगे मुझे ये जैसे हम आम रूटीन में अकाउंट बनाते हैं तो उसी तरह से आगे ये डिटेल्स बताएगा हमें, तो हमने वो डिटेल्स पुट करनी है और हमारा दराज पर एज अ सेलर अकाउंट बन जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप कोई भी वेबसाइट पर सेलर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो सिंपल लिखेंगे सेलर सेंट्रल आगे और उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो वो आ जाएगी, ठीक है। तो चूंकि ये वाले जो दराज है, इंशाल्लाह हम दराज के ऊपर पूरी सीरीज एक बनाएंगे लास्ट बार इस कोर्स के ख़त्म होते ही, ठीक है। नेक्स्ट जो कोर्स होगा वो होलसेल पर होगा, फिर इसी तरह से दराज पे आएगा आगे कोर्स, उसके बाद Shopify वगैरह पर, तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आज की वीडियो के अंदर ये देखिए अगर यहाँ पर ईट से ये है, ठीक है, इस पर भी अगर आप बनाना चाहें अपना अकाउंट वो बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखें सेल ऑन ईट से, ठीक है, अगर आप यहाँ पर साइन इन करते हैं या साइन अप करते हैं तो ये आपका बायर अकाउंट बनता है, ठीक है। दो टाइप्स के अकाउंट होते हैं, एक सेलर होता है, एक बायर होता है, सबको पता ही होता है। बायर वो ही होता है अकाउंट जिससे हम यहाँ पर कोई भी चीज़ जो अवेलेबल है वो हम ख़रीद सकते हैं, और सेल जो होता है वो हमने अपनी लिस्टिंग करनी होती है। तो ये थी कुछ वेबसाइट जो मैंने आपके साथ शेयर की, जिन पर आप ऑनलाइन जो है ई कॉमर्स एज अ सेलर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बेशुमार वेबसाइट्स हैं, ये बस एक आपको समझाने के लिए था, ये नहीं है कि ये इसलिए कि ये नहीं कि समझना कि सिर्फ हम अमेज़ॉन के ऊपर ही काम कर सकते हैं एज अ सेलर, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर एज अ सेलर काम कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आगे अमेज़ॉन के ऊपर जो है, FBM क्या है, FBA क्या है, अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेस क्या हैं, तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़।